हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी चीज के बारे में बताने वाली हूँ और ये फर्टिलिटी के लिए वरदान है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में देखें या प्राचीन होम रेमेडीज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, प्राचीन समय में होम रेमेडीज के तौर पे फर्टिलिटी के लिए क्या दिया जाता था पुरुषों को और महिलाओं को, तो उसमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है। ये छोटी सी चीज़ है जायफल। जायफल अक्सर मिठाइयों में इसका पाउडर यूज़ होता है, जो बेसन की मिठाइयाँ बनती हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जायफल से फर्टिलिटी को किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है, पुरुषों को और महिलाओं को इसको कैसे लेना चाहिए और इससे फर्टिलिटी में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आप हमें रोज देख सकें, डेली के अपडेट आप तक पहुंच सके। जायफल के तीन चमत्कारिक जो गुण हैं, जो लाभ हैं, वो इस तरह से हैं कि ये एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह कार्य करता है। फर्टिलिटी में डिप्रेशन और तनाव बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। 40% इनफर्टिलिटी केसेस में तनाव डोमिनेंट फैक्टर होता है, मेजर रीजन होता है, प्रमुख कारण होता है। तो तनाव को दूर करने के लिए ये बहुत ही असरकारी तरीका है, क्योंकि इसके अंदर वो तत्व पाए जाते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, तनाव को, डिप्रेशन को कम करने वाले होते हैं। तनाव को दूर करके फील गुड हॉर्मोन्स को रिलीज करने में इसका बहुत अच्छा योगदान होता है। पॉइंट नंबर टू, महिलाओं और पुरुषों में लिबिडो की अगर कमी है या फिर पुरुषों की पोटेंसी में कोई कमी है, प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स कम बन रहे हैं, तो जायफल नियमित लेना बहुत अच्छा रहता है। पॉइंट नंबर थ्री, ओवरीज और एग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसको इंड्यूस करने में, यानी कि अच्छी क्वालिटी के एग बनने में, अगर आपको एग नहीं बन रहे तो आपको डेली थोड़ी मात्रा में जायफल का प्रयोग करना चाहिए। जायफल का प्रयोग ओवरीज की फंक्शनिंग को बूस्ट करता है। जायफल को लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना, जो फूड आप लेते हैं उन्हीं में मैं इसका प्रयोग आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन जब आप जायफल को लेना स्टार्ट करते हैं तो जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आ जाते हैं एग में, स्पर्म में, उसको ये करेक्ट करता है। और अगर एग नहीं बन रहा या ओविलेट नहीं हो रहा है, तब ऐसे कंडीशन में ओविलेशन को इंड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, कंसीव करने के लिए ओविलेशन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि उसी समय गर्भधारण की 100% संभावना होती है। तो महिलाओं को ओविलेशन बूस्ट करने के लिए, ओवेरीज की अच्छी फंक्शनिंग के लिए और पुरुषों को लिबिडो के लिए, पोटेंसी के लिए, गुड क्वालिटी स्पर्म बनने के लिए जायफल को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन पुरुषों और महिलाओं के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा डिफरेंस है। इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा को कंज्यूम करना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये एक गर्म मसाला होता है। तो पुरुषों को डेली एक चुटकी, डेली आप 3 महीने रेगुलर लीजिए, लेकिन डेली एक चुटकी ही आपको कंज्यूम करना चाहिए। कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? आप दूध पी रहे हैं, आप दूध में डाल सकते हैं। आपने सपोज कई लोग दूध नहीं लेते हैं, अगर आप दही ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं या कोई भी फूड ले रहे हैं, तो आप उसमें एक चुटकी ले सकते हैं। लेकिन इसके सेवन का सही समय मॉर्निंग टाइम होता है। तो मॉर्निंग टाइम आप ब्रेकफास्ट में, चाहे आप स्मूदी ले रहे हैं, चाहे आप कोई जूस ले रहे हैं, ओटमील ले रहे हैं, उसके अंदर आप इसको ऐड कर दीजिए, ताकि ये इसका पाउडर डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाए। ये ना कि इसका पाउडर डालने के बाद आप किसी चीज़ को कुक करें, आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी कुक्ड चीज़ में, रेडी टू ईट जो भी आप सर्व कर रहे हैं, उसमें इसको स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है इसको दूध में ऐड करके लेने का। उसी तरह महिलाओं के ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए, अच्छी क्वालिटी एग के लिए, पीरियड के पहले दिन से 8 दिन, हर महीने महिलाओं को 8 दिन पीरियड के पहले दिन से स्टार्ट करके 8 दिन तक कंटिन्यू इसको लेना है 2 चुटकी। बिल्कुल उसी तरह आप 1 कप दूध में ऐड करके पी लीजिए, या ओटमील ले रहे हैं, स्मूदी ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा बना रहे हैं दूध और दही से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए। कुक्ड फूड में ऐड करना है आपको, इसको डालने के बाद पकाना नहीं है। तो फ्रेंड, जायफल एक बेहद ही खुशबूदार मसाला होता है, स्पाइस होता है, इसको मिठाइयों में तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन आप इसे फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी यूज ले सकते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है, आप इसको फॉलो करें, डेफिनेटली आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सैली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।